पंचकुला के गांव खेत प्राली में गुर्जर ग्रुप द्वारा दूसरा कबड्डी ओपन टूर्नामेंट करवाया गया, जिसमें बतौर मुख्य मेहमान पंचकुला के समाज सेवी व सीनियर कांग्रेसी नेता संजीव भारद्वाज विशेष तौर पर पहुंचे। इस मौके पर उनके सपुत्र समर्थ भारद्वाज भी उनके साथ थे। खेल मुकाबलों के प्रबंधक देशराज पोसवाल, मेंबर जिला परिषद व अन्य ने श्री भारद्वाज जी का भव्य स्वागत किया। इस कबड्डी मुकाबला में पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ से 22 टीमों ने भाग लिया। मैं देशराज पोसवाल, मेंबर जिला परिषद पंचकुला, आज यहाँ गांव खेत प्राली में गुज्जर क्लब की तरफ से और हमारे यहाँ नौगजा पीर में के भंडारे के उत्सव पर आज यहाँ कबड्डी कप कराया जा रहा है। और यहाँ पे हरियाणा से बहुत टीमें आई हुई हैं, अलग अलग जिलों से काफ़ी टीमें यहाँ पहुँची हुई हैं। और आज यहाँ खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए हमारे बीच में हमारे बड़े भाई साहब संजीव भारद्वाज जी पहुँचे हैं, खुशवंत राय गिग्गा जी पहुँचे हैं, हमारे त्रिलोकपुर से गोपाल जी बीडीसी मेंबर चेयरमैन वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, प्रीति सिंह नंबरदार और समस्त ग्राम पंचायत खेत प्राली और सभी इधर ग्रामवासी हमारे आसपास के सभी गांवों से जितने भी दर्शक यहाँ पहुँचे हैं और बहुत ज़्यादा खिलाड़ी पहुँचे हैं। मैं अपनी तरफ से इन सब का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा आयोजन है, मैं इस क्लब को, आयोजक क्लब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस सफल आयोजन के लिए उनको मुबारकबाद देता हूं। जहां तक इस खेल का सवाल है, मैंने अभी पहले भी अपने भाषण में कहा है कि ये हमारे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट का लोकप्रिय खेल है और पीछे हमने अप्रोच की थी राष्ट्रीय कबड्डी संघ से, तो उनसे हमने कहा था कि भाई किसी तरह से भी ऐसा करो कि ये ओलंपिक का हिस्सा भी ये गेम बने, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि ओलंपिक का हिस्सा बनने के लिए कोई भी गेम के अंदर 55, इस कबड्डी गेम के अंदर 55 देशों की सहमति जरूरी है। 55 देशों की सहमति के लिए वो बताया उन्होंने कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, 17 कंट्रीज ने उस पर साइन कर दिए हैं, बाकी के 38 कंट्रीज में थोड़ी प्रॉब्लम आई हुई है कि भाई किस तरह से सेटअप करें वो करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई बीच में हम आईपीएल स्टार्ट कर रहे हैं, आईपीएल के माध्यम से जितने भी, जब तक ये ओलंपिक का हिस्सा बनता है तो जितने भी कंट्रीज ने इस पर साइन किए हैं उनके प्लेयर्स के साथ भी अपने प्लेयर खिलाएंगे और हर प्लेयर को जो इस गेम को बखूबी खेल सकता है उसको वो उसकी रोजी रोटी के लिए भी और आर्थिक सहायता के लिए भी, जैसे क्रिकेट का आईपीएल है उसके लिए उस तरह से वो गेम लेके आ रहे हैं। और शायद जहाँ तक मेरी जानकारी के मुताबिक वो फरवरी से स्टार्ट होगा और हम कोशिश करेंगे हमारे इस पंचकुला जिले के अधिकतर लड़कों को वहाँ ऑक्शन में शामिल किया जाए इस गेम के लिए और इनको, सब बच्चों को जो अच्छा खेलते हैं उनको वहाँ एक चांस मिले ताकि उनका जीवन सफलतापूर्वक वो जी सकें। बाकी नौजवानों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, भाइयों के लिए यही मैसेज है कि भाई हिम्मत ना हारें और गेम्स की तरफ से भी, जैसे आज पूरे विश्व के अंदर जो भी खिलाड़ी किसी भी गेम में अच्छा खेलता है, अच्छा करता है, कितनी तरह के गेम्स हैं, तो रातों रात उसकी जिंदगी बदल जाती है। देश विदेश टीवी के लिए पंचकुला से बर्मन और सोनू डोगरा की विशेष रिपोर्ट। नवीं अते ताज़ियां खबरां देखने लिए साडे यूट्यूब चैनल देश विदेश टीवी नू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया जावे। He's here. Are you sure? Don't worry, I'll get him. He's coming. We are ready. दौड़ेगा भागेगा बाबा, ऑल सीजन के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स।